गाइस, वेलकम बैक टू अवर इंडियन विला चैनल एंड गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी वेदर भी बहुत अच्छा है, आप सब भी बहुत अच्छे होंगे आई होप कि, और हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी लाइक थोड़ा लेट हो गया मॉर्निंग में बिकॉज रात को हम मूवी देख रहे थे, तो मूवी देखते देखते काफ़ी लेट हो गया था और फिर अभी हम थोड़ा लेट उठे और आज मुझे करनी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग और फिर मैंने अपना डिटॉक्स ड्रिंक लिया, सॉफ्ट वाटर फेनल सीड्स का, तो वो ले रही थी। और अभी देखिए ये मेरे घर में मेरे जो रूम है, मेरा रूम है, उसके पीछे बहुत अच्छा व्यू आता है। सुबह सुबह उठ के आप थोड़ी देर भी इधर खड़े रहो ना, तो ऐसे हिल स्टेशन वाली फीलिंग्स आती है। तो रक्षा ने एडिसन के साथ बात किया तो उन्होंने क्या बोला तेरे को कि तुझे मेजरमेंट करके देना पड़ेगा ना, तो उसको पूरा बॉडी का मेजरमेंट करके उसको देना पड़ेगा कि, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि वीकली उसके पास मेजरमेंट मंगवाते हैं कि तुम्हारा वेट से लेके हर एक चीज़, लाइक तुम्हारे मसल्स पे लेके कितना बड़ा है कितना कम हुआ है, वो लोग के हिसाब से वो लोग वीकली उसको डाइट बना के देते हैं। तो वो आज सुबह से, अभी सुबह उठी वो, और उन्होंने बोला था कि खाली पेट ही मेजर करके आप जितना भी डिटेल है वो सब सेंड करना पड़ेगा, है ना। मेजर किया, कुछ डिफरेंट लगा तेरे को? मैं पुराना और अभी का देखूंगी, फिर बाद में पता चलेगा। थोड़ा लगता है मुझे, पता नहीं अभी बाद में। तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्योंकि एक दो वीक से उसको खाना ऐसा ही दे रहे हैं कि ज़्यादा कुछ, मतलब उससे वेट बढ़े ही ना, ऐसा कुछ ही दे रहा है। तो अभी नहीं तो पर लॉन्ग टाइम के बाद उसको वैसे ही कम होगा, क्योंकि डॉक्टर लोग यही बोलते हैं कि तुम स्टार्टिंग में अगर डाइटिंग करते हो तो तुम ज़्यादा, लाइक तुम अगर फोकस मत करो कि तुम्हारा वेट के नंबर पर फोकस मत करो। तो अभी हम लोग अभी इंडियन शॉप में आए हुए हैं, लाइक इंडियन हर एक चीज़ मिलती है इंडियन की, सो वो मैं आपको पूरा कवर करके दिखा दूँ क्या क्या इंडियन चीज़ें यहाँ पर मिलती है, वेजिटेबल्स का लेके हर एक चीज़। देखिए हम लोग जो इंडिया में जो 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 भी वो अचार वगैरह आता है ना, वो हर एक यहाँ पे मिलता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अचार आता है। देखो रेड चिली पिकल, डाबला पिकल, हर एक अचार आता है, वो हर एक चीज़ का यहाँ पे मिलता है। देखो जो इंडिया के जो स्नैक्स आते हैं वो सब यहाँ पे, देखो ये गुजराती चक्री है, ये देखो भेल मिक्स है यहाँ पे, ये हर एक नमकीन आपको दिख रहा है वो हर एक चीज़ इंडियन की है। ये पापड़ आते हैं, हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पापड़ भी है इंडियन शॉप है, वहीं पे इंडियन वेजिटेबल्स वगैरह मिलता है। अदरवाइज आप लोग यहाँ की लोकल स्टोर में जाएंगे तो जो इंडियन हमारा वेजिटेबल्स होता है वो ज़्यादातर नहीं होता है, लाइक ये बैंगन होता है, भिंडी होता है, वो सब यहाँ पे ये लोकल स्टोर में नहीं मिलेगा। सुबह उठकर रेडी होकर फिर हम लोग गए इंडियन शॉप में। कैसा होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ के आसपास में कुछ इतना इंडियन शॉप वगैरह नहीं है, सो इंडियन चीज़ें होती है, इंडियन वेजिटेबल्स वगैरह होता है, वो लोग हम लोग क्या है जब भी छुट्टी का टाइम मिलता है, लाइक एक वीक में या दो वीक में, तो हम लोग चले जाते हैं इंडियन शॉप जहाँ पे होती है और जो भी इंडियन सामान वगैरह है वो लोग हम लोग परचेस कर लेते हैं, लाइक एक एक दो वीक का ज़्यादा परचेस कर लेते हैं। सो मैंने आपको दिखाया इंडियन शॉप में इस तरह से शॉपिंग वगैरह होती है, और वो एरिया मैंने बताया था जो कम्युनिटी रोड वो दिवाली के टाइम पे जो बंद किया हुआ था वहीं पे है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं जो स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ, स्पेशली आपके घर में कोई बच्चे बड़े या तो हम यंग जनरेशन और जो बुजुर्ग है वो सबके लिए ये बहुत काम आती है और किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगी, ना ही गर्म लगेगी ना ही ठंडी लगेगी, तो किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं करेगी। तो इसको मैं अपना नाम दिया, मैंने अपना नाम दिया है कि लाइक अ प्रोटीन लड्डू, लाइक प्रोटीन लड्डू है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन है। फिर ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी देती है। अभी वो ये चीज के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो इधर सारे इंग्रेडिएंट्स है, ये मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है। आप कोई भी अपने घर में, ऐसा नहीं है कि मेजर कप, कोई भी कटोरी एक ले लीजिए, उसका नाप रख लीजिए। तो मैंने ये बेसन इतना लिया है। फिर ये सूट है,
जो जिंजर पाउडर आता है ना वो है, थोड़ा सा मैंने जिंजर पाउडर लिया है, हाफ कटोरी, फुल कटोरी बेसन है, फिर पौनी कटोरी जितना ये पिस्ता लिया है, फिर सौंफ ली है 1 कप, फिर 1 कटोरी जितना सीसम सीड्स, तिल जो आते हैं वो है, और ये जो गूंद होता है ना, आप इंडिया में होते तो पता चल जाता है, इसको गूंद बोलते हैं, और यहाँ पे भी आप इंडियन शॉप में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ये गूंद है, इसे हमें घी में भूनना होता है। तो 1 कटोरी मैंने गूंद लिया है, फिर ये मैंने आधी कटोरी जितना, ये स्पून से मैंने हेल्प ली है कि ये स्पून मैंने इसमें ये स्पून लगाई है, तो ये एक स्पून जितना मैंने अजवाइन ली है, फिर ये गंठोड़ा पाउडर जो आता है वो भी आपको यहाँ पे इंडियन सोप में मिल जाएगा और इंडिया में भी मिल जाएगा, तो 1 टीस्पून जितना गंठोड़ा पाउडर लिया है, फिर ये चिया सीड्स है, तो ये 1 स्पून जितना मैंने चिया सीड्स लिया है, फिर ये खसखस है, तो हाफ स्पून जितना मेरे पास इतना था इसलिए, वरना आप 1 स्पून जितना ये छोटी कटोरी भर के आप ले सकते हो। फिर ये थोड़ी सी इलायची ली है मैंने 1 चम्मच जितनी, और फिर ये थोड़ा वो मिक्स बोलते हैं ना, वो बत्रीसू बोलते हैं इसको गुजराती में, वो पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए, वरना आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। ये मैंने पहली बार ही ये मैं डाल रही हूँ, लेकिन ये सबको मैं काफी बार बना चुकी हूँ और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर ये मैंने 1 बड़ी कटोरी बादाम ली है आलमंड, और 1 बड़ी कटोरी फिर रेजेंस लिए है, 1 बड़ी कटोरी ये मैंने कैसो नट लिए है काजू, और 1 बड़ी कटोरी मैंने वॉलनट लिए है, और ये कटोरी भर के मैंने ये कोकोनट छीन किया हुआ कोकोनट है तो ये मैंने लिया है। आपके पास पैकेट वाला हो या आपके घर में कोकोनट हो उसको भी आप छीन कर सकते हो, और फ्रोजन हो तो वो भी आप डाल सकते हो। और ये मैंने 1 बड़ी कटोरी व्हीट फ्लोर लिया है, बड़ी नहीं है, छोटी, इतनी मीडियम ही है, जितना मैंने ये ड्राई फ्रूट लिया है उतनी ही वही साइज की मैंने ये व्हीट फ्लोर लिया है, और वही सेम साइज मैंने गुड़ लिया है जेगरी, और वो वही सेम साइज की मैंने एक घी की कटोरी ली है, ये देसी घी है, तो 1 कटोरी मैंने देसी घी लिया है। अगर आपको ज्यादा डालना है आप देख लेना बनाते बनाते कि आपको अगर कम पड़ रहा है तो आप घी और भी डाल सकते हो। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट जितना लिया है, मैं आटा, आप देखिए आप कि आटा मैंने बहुत कम लिया है, ये ड्राई फ्रूट के हिसाब से ही मैंने जितनी ड्राई फ्रूट की कटोरी है उतनी ही कटोरी मैंने आटे की ही ली है। तो ये सब मेरे इंग्रेडिएंट्स है, आपको इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट कर लूंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने सब कुछ रोस्ट कर लिया है, फिर मैं एक में डालूंगी। तो अभी हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट, तो इसमें 1 स्पून जितना ही आपको घी डालना है, और उसमें आपको रोस्ट करना है। सारे घी में एक एक करके सेपरेटली रोस्ट करके इस बाउल में डाल दिए हैं, और जो सीड्स थे वो भी मैंने रोस्ट करके इस बाउल में डाल दिए हैं। तो अभी मैं इसको मिक्सचर में क्रश कर लूंगी। तो आप जब भी बनाओ तो ये छोटे सीड्स और ये बड़े नट्स दोनों सेपरेटली आप घी में रोस्ट भी करो और सेपरेटली निकालो, और फिर क्रश भी सेपरेटली ही करो। ये सारा मिक्स कर लिया है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, मैंने रेजिन्स प्री ग्राइंड कर ली है, इसमें मैंने घी भी रख दिया है, देखो इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ी कटोरी मैंने एक घी की डाली है, और घी होने को आया है, तो अभी मैं उसमें डालूंगी ये गूंद है, गूंद डालूंगी और इसको ऐसे अच्छे से हिलाना है ताकि ये फूल जाएगा। अच्छे से आपको फुलाना है सारा ही गोल। उसमें फिर मैं डालूंगी ये सूट, उसमें भी मैं डालूंगी गुड़, अभी मैं इसको गुड़ को अच्छे से घी में वो करूंगी, गुड़ घी की पाई कर लूंगी, बहुत अच्छे से पकने दूंगी गुड़ को मैं घी में।
अभी मैं इसमें ये बतरीसू पाउडर डालूंगी, वो भी घी में ही है क्योंकि इसको हमने रोस्ट नहीं किया था, तो ये सब मैं घी में डाल दूंगी और इसको भी हम घी में एक बार ऐसे कर लेंगे ताकि किसी का भी आपको ऐसे मुंह में कच्चा फ्लेवर ना आए। ये आटा वीट फ्लोर था, फिर बेसन फ्लोर डालूंगी, इसको एक बार मिक्स कर लेंगे हम। फिर ये रेजिन्स का पाउडर था वो डालूंगी मैं, ड्राई फ्रूट पाउडर और ये सीड्स पाउडर। अब इसको अच्छे से हमें हिलाना है बहुत देर तक। तो ये बन चुका है अभी, और अभी सबसे हार्ड काम है वो ये लड्डू बनाना है क्योंकि थोड़ा वार्म होता है, गर्म होता है और गर्म गर्म में ही हमें ये लड्डू बनाना होता है वरना वो लड्डू बनता नहीं है। तो थोड़ा गर्म गर्म होगा तो उससे ऐसे ही हमें लड्डू बनाना है। आप चाहो तो पीसीस भी कर सकते हो लेकिन मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि प्रॉपर अभी इतनी मेहनत की है तो थोड़ी और करके आपको प्रॉपर ही दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ऐसे करके लड्डू बनाना है। क्योंकि गर्म होगा तो आप दोनों हाथ से करोगे ना तो बन जाएगा इजीली ऐसे। गाइस ये देखिए बन गए हैं, अभी बने हैं, नियरली 10:30 होने को आए हैं, 10:30 बज गए हैं और मुझे नियरली 2.5 आवर्स लगे हैं, 2.5 घंटे हो गए तब जाके बने हैं। और इसको बना ऐसे गूंदना, लड्डू बनाना तो बहुत हार्ड है क्योंकि गरम गरम होता है तभी हमें ऐसे बनाना होता है, और अभी बन चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और अगर आप मैंने ट्राई किया है कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, मैंने किया है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको और डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो ये आई होप कि सबको अच्छा लगा हो मेरी रेसिपी, बहुत मेहनत की है मैंने, तो अगर आप सबको अच्छा लगा हो और हेल्थ वाइज ये मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत अच्छा है, और आप लोगों को पता चल ही गया होगा इंग्रेडिएंट्स देखकर कि हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। अगर आपको पसंद आया हो ये हमारा आज का व्लॉग जो सुबह से लेकर ये स्पेशल चीज पर हमने ख़त्म किया है, और अगर आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड, और बाय, टेक केयर और बी सेफ।